राजनीति में आया था तो झूठ बोला जाता है ना। ऐसी बात नहीं है, हर चीज में ब्लैक और व्हाइट नहीं। कई बार हम नहीं जा पाते प्रोग्राम्स में जहां हमको लगता है कि कुछ विषय के बारे में कोई हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते या कोई स्पष्ट झूठ ही बोलना पड़े तो नहीं जाते हैं। अब जैसे दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आरएसएस के बम की फैक्ट्री है, हमने क्या कहा? उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है? नहीं, हमने सीधा कहा, स्पष्ट कहा। देखिए इस पे भी आप पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम नहीं बोलूंगा। उन्होंने घोषणा की है, वक्तव्य किया, उनसे पूछिए, तो हमारी भी स्पष्टता तो है ना इस पे। मैं सोचा था आप सिर्फ कोर्ट में अच्छे वकील हैं, लगता है राजनीति वकालत भी अच्छी कर लेते हैं आप। सच्ची बात है, सच्ची बात हमेशा सत्य होती है। एक बात बताइए, इतने अच्छे वकील होने के बाद, पॉलिटिकल भी होने के बाद, कोर्ट में आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, मैंने रिकॉर्ड देखा थोड़ा, पर सवाल ये बताइए उसके बाद भी आपको लगता नहीं सरकार में होना चाहिए था, अच्छा काम कर लेते जो आज? ये प्रश्न आप किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह। ये प्रश्न आप, मैं इसका न इसको उत्तर देने में समर्थ हूँ। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे जो काम दिया था पार्टी द्वारा, मैं समझता हूँ, सब नहीं समझते मेरे को, आई एम श्योर, कि निष्ठा के साथ और कामकाजी अच्छी तरीके से करने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे कहाँ होना चाहिए, कब होना चाहिए, मुझे उन्होंने बहुत आदर दिया है। जिस तरह से पार्टी की आज बात पिटी हुई है, कहीं इतना डिफेंड करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यूपी की 2 के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट सरकार है, सबसे ज्यादा इनिफिशिएंट सरकार है, सबसे बड़ी कैबिनेट हिंदुस्तान के अंदर हुई है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुई है, तो ये सब आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे? लगता नहीं कि अच्छे लोग होने चाहिए ताकि जो कुछ हो रहा है वो ना हो? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मुझे अगर कोई जिम्मेवारी दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रयत्न जरूर करूंगा, लेकिन ये समझना कि एक व्यक्ति किसी चीज को बदल सकता है इतना बड़ा, ये एक सामूहिक चीज होती है, टीम वर्क होता है। ये जरूर एक तरफ माहौल ऐसा बनाया गया है, लेकिन ये नहीं समझे कि माहौल ऐसा ही है। आखिर अभी 800 सीट्स के इलेक्शंस हुए, हमको इतना अगर गंदा समझती जनता जनार्दन तो उठा के फेंक देती। पर आपको लगता नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जितनी उनकी इंटीग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है, अब उनका जो USP था एक, वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता चला जाता है? यही प्रयत्न किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं सही, लेकिन विपक्ष द्वारा, विपक्ष ने समझा है कि जब तक वो कुछ ऐसे लोगों को, एक तरफ सोनिया गांधी जी को, एक तरफ प्रधानमंत्री को, इस प्रकार से अटैक नहीं करें कि जो छवि उनके लीडरों में नहीं है वो छवि हमारे से हटाएं, तब तक वो सफल नहीं हो सकते। ये जरूर प्रयत्न हो रहा है, लेकिन ये सफल हो रहा है ये मैं नहीं मानता। आप अपने फादर वाले रूट पे चलेंगे या आपको राजनीतिक सपने भी हैं कोई? आप ये बात कुछ हद तक गलत है, मैं बताऊँ आपको, मेरा मानना है कि आप लोग बोलते हैं बार बार कि कुरीतियाँ हैं पब्लिक लाइफ में, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, गलत है, तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक अगर आप ऐसे लोग भी रखें, एक प्रोपोर्शन हो, 30% हो, 40% हो, जिनको आप टिपिकल इन्वर्टेड कॉमर्स के पॉलिटिशियन न बोलें, तो क्या ये कम नहीं होता है? तो मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स वर्ड को बोलने से थोड़ा सा मैं हेजिटेट करता हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ मैं, बेटर वर्ड भाई, नीचे पॉलिटिशियन नहीं है आप। आपके अपना सपना क्या है एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत? मेरा ये सपना है कि मेरे कई आइडियाज हैं, मैं समझता हूँ कि मैं 24 नहीं तो कम 22 घंटे दिन में काम करके उनको कार्यरत करने में क्षमता रखता हूँ, लेकिन वो कार्यरत करने की क्षमता नहीं हो सकती जब तक कि आपको वो एक अवसर नहीं दिया जाए।